नमस्कार जोहार, झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। आज का लाइक है 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। झारखंड में आज से मिलेगी भारी बारिश से राहत, 6 अक्टूबर से होगी मानसून की वापसी। राज्य के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि उत्तरी झारखंड और दक्षिणी बिहार के ऊपर बने कम दबाव का क्षेत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है। इस कारण राज्य भर में लोगों को बारिश से राहत मिलेगी। हालांकि विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात की भी संभावना है। इसके साथ ही राज्य के विभिन्न जिलों में तेज हवा भी चल सकती है। वहीं राज्य से मानसून की वापसी का दौर 6 अक्टूबर से शुरू होगा। झारखंड में पति पत्नी देवर और 6 साल के मासूम का बेरहमी से कत्ल, जमीन के झगड़े में कुल्हाड़ी से काट डाला। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के हाट गमहरिया क्षेत्र में एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या से सनसनी फैल गई। शुक्रवार को देर रात हुई इस वारदात ने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। मरने वालों में पति पत्नी देवर और 6 साल का मासूम शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर वहां मौजूद 4 लोगों को कुल्हाड़ी से काट डाला। उन्होंने 6 साल के मासूम बच्चे को भी नहीं छोड़ा, उन्होंने सबके शव गांव से कुछ दूरी पर खेत में फेंक दिया। घटना के पीछे जमीन का विवाद बताया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर छानबीन शुरू कर दी है। मानव निर्मित बाढ़ ने बंगाल को डुबाया, ममता बनर्जी के आरोप पर झारखंड की सफाई पहले ही दी गई थी सूचना। झारखंड में हुई भारी बारिश का खामियाजा पश्चिम बंगाल भुगत रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि बाढ़ से राज्य के हजारों लोग जूझ रहे हैं। दक्षिणी हिस्से में आई बाढ़ को उन्होंने मानव निर्मित करार दिया है। हालांकि झारखंड की ओर से सफाई में कहा गया कि पहले ही सूचना दे दी गई थी। बिहार में भारत हैवी वैगन और झारखंड में HEC को फिर से जिंदा करने की कोशिश करेगी केंद्र सरकार। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडेय ने शुक्रवार को बिहार में थे। पटना प्रवास के दौरान उन्होंने भाजपा द्वारा आयोजित कई कार्यक्रमों में भाग लिया। वापस लौटने के दौरान उन्होंने जागरण के प्रधान संवाददाता सुनील राज से उद्योगों को लेकर बात की। वे कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री की नज़रें में सभी राज्य बराबर है, सबके विकास के लिए योजनाएं बनी है और उन पर काम हो रहा है। उन्होंने बिहार में उद्योग की कमी को लेकर युवा उद्यमियों से अपील की है कि वे आगे आएँ ताकि बिहार को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। झारखंड में डाकिया योजना के लिए होगा सोशल ऑडिट, विभाग ने दी हरी झंडी। झारखंड में विलुप्त होने के कगार पर पहुंचे आदिम जनजाति समुदाय को घर बैठे अनाज पहुंचाने की प्रक्रिया होगा सोशल ऑडिट। इसके लिए खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले के विभाग ने हरी झंडी दे दी है। आदिम जनजाति आबादी को पूरी तरह से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए झारखंड सरकार की यह महत्वाकांक्षी योजना है। विभाग ने जनजातीय खाद्यान्न योजना का सामाजिक अंकेक्षण कराने का निर्णय लिया है। वहीं इस संबंध में विभागीय सचिव हिमानी पांडे ने सामाजिक अंकेक्षण की कानूनी अनिवार्यता का महत्व ध्यान में रखते हुए सोशल ऑडिट टीम के सहयोग देने और उन्हें दस्तावेज समय पर उपलब्ध कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया है। प्रस्तावित सोशल ऑडिट में 22 अक्टूबर से 20 नवंबर तक क्षेत्र के स्तर पर तथ्यों का सत्यापन पूर्ण करने और 22 दिसंबर तक सभी स्तर पर सुनवाई संपन्न कराने की योजना बनाई। झारखंड के साइबर क्राइम के गढ़ में शिक्षा की नई रोशनी, बच्चों का मार्गदर्शन कर रहे हैं अधिकारी। झारखंड के जामताड़ा जिले में शिक्षा की गिरती व्यवस्था, लगातार जारी लॉकडाउन के वजह से बंद पड़े विद्यालय महाविद्यालय कोचिंग में ध्वस्त हो चुकी शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए जिले के युवाओं छात्र छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य के निर्माण के लिए पुराने जर्जर भवन का जीर्णोद्धार कर एक खूबसूरत सामुदायिक पुस्तकालय का स्वरूप DC फैज अक अहमद मुमताज ने किया है। इसका सकारात्मक परिणाम आज देखा जा रहा है। पुस्तकालय में अध्ययनरत छात्र छात्राएं विभिन्न गतिविधियों में हिस्सा लेकर जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी भी इन बच्चों को गाइड करते हैं। झारखंड बिहार के छात्रों के लिए बड़ी खबर, DSSSB ने एग्जाम की डेट का किया ऐलान। इन बातों पर रखे खास ख्याल।
बिहार झारखंड की युवाओं ने पास सरकारी नौकरी हासिल करने का सुनहरा मौका है। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने नवंबर में होने वाली एग्जाम की डेट आ गई है। ये एग्जाम 9 नवंबर 2021 से 25 नवंबर 2021 के बीच होगी। झारखंड में एक शख्स ने पत्नी को फोन पर दिया 3 तलाक, पीड़िता पहुंची थाने लगाया आरोप। 3 तलाक के खिलाफ सख्त कानून बनाए जाने के बाद भी 3 तलाक का मामला थम नहीं रहा है। ऐसा ही एक मामला गिरिडीह जिले के गोड्डथम्बा थाना क्षेत्र के सामने आया है। गोड्डथम्बा थाना क्षेत्र के कर्माटांड के रहने वाले मोहम्मद कयूम की बेटी मसीदा खातून ने अपने पति द्वारा फोन पर 3 तलाक देने का आरोप लगाया है। पति द्वारा 3 तलाक देने के बाद पीड़िता न्याय के लिए कानून का सहारा ले रही है। पीड़िता ने एसपी को आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। वहीं पीड़िता के वकील ने उसके पति के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की है। उन्होंने कहा कि जब पूरे देश में 3 तलाक प्रतिबंधित है तो ऐसे में यह कानून जुर्म है और इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। झारखंड में एटीएम का क्लोन बनाकर साइबर अपराधियों ने उड़ा लिए सैलून संचालक के 73,000 रुपये, ऐसे दिया घटना को अंजाम। चानो थाना क्षेत्र के लुंडरी गांव निवासी सलमान अंसारी के बैंक खाता से साइबर अपराधियों ने एटीएम कार्ड का क्लोन बनाकर 73,000 रुपये की अवैध निकासी कर ली। मामले को लेकर भुक्तभोगी ने चानो थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई। जानकारी के अनुसार बिजू पाड़ा चौक पर सैलून की दुकान चलाने वाले सलमान अंसारी का चानो के टांगर स्थित बैंक ऑफ इंडिया शाखा में खाता था। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बोले, रांची का तिरिल आश्रम बनेगा पर्यटन व शोध का केंद्र। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी से जुड़े रांची के धुरवा में तिरिल स्थित सर्वोदय आश्रम को संरक्षित और विकसित करने पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि तिरिल आश्रम में संचालित छोटा नागपुर खादी ग्रामोद्योग संस्थानों को महात्मा गांधी के सपने के स्वरूप ढाला जाएगा। इसे कुटीर उद्योग के क्रियाकल्पों को हब बनाया जाएगा। इतना ही नहीं, आश्रम को संरक्षित कर पर्यटन और शोध केंद्र के रूप में विकसित करने का भी कार्य होगा। इससे रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। आप खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं और पड़ोसी राज्यों से। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, भारत में कोविड-19 वैक्सीन की 90 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शनिवार को बताया कि देश में कोविड-19 वैक्सीन की 90 करोड़ डोज लगाई जा चुकी है। उन्होंने ट्वीट किया कि श्री शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का जय नारा दिया था, श्रद्धेय अटल जी ने जय जीवन जोड़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया है। आज अनुसंधान का परिणाम कोरोना वैक्सीन। यूपी की ODOP योजना की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई कंगना रनौत। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को बताया कि राज्य के एक जनपद एक उत्पाद योजना की ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत होगी। ODOP योजना का उद्देश्य राज्य की उन विशिष्ट शिल्प कलाओं एवं उत्पादों को प्रोत्साहन करना है जो देश के में कहीं और उपलब्ध नहीं है। कंगना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लखनऊ स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। सीएम योगी ने कहा कि यूपी को अगले 6 साल में देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उन्होंने अगले 6 साल में राज्य की अर्थव्यवस्था को देश की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि आज देश की 44 योजनाओं में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। 4 साल पहले जिस उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था 6 नंबर पर थी, आज वह देश के 2 नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। PM मोदी ने लॉन्च किए जल जीवन मिशन ऐप और राष्ट्रीय जल जीवन कोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को जल जीवन मिशन ऐप लॉन्च किए, जिसका उद्देश्य इस मिशन के हितधारकों के बीच जागरूकता बढ़ाना और पारदर्शिता और उत्तरदायित्व कायम रखना है। उन्होंने राष्ट्रीय जल जीवन कोष भी शुरू किया है, जिसमें ग्रामीण घरों, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों समेत सार्वजनिक संस्थाओं में नल जल कनेक्शन के लिए व्यक्ति, संस्था, कंपनी या समाजसेवी योगदान दे सकते हैं। नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर, केंद्र ने बदला नियम। ड्यूटी के दौरान केंद्रीय कर्मचारियों के मृत्यु को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। जानकारी के अनुसार जिन केंद्रीय कर्मचारियों की मृत्यु ड्यूटी के दौरान हुई है, उनके मुआवजे का भुगतान परिवार के उस सदस्य को किया जाएगा जिन्होंने नॉमिनी बनाया गया है। सीधे शब्दों में कहें तो जो नॉमिनी होगा वही मुआवजे का हकदार होगा। अब इस मामले में नॉमिनी बनाने की बाध्यता नहीं थी। किसानों के विरोध के बीच हरियाणा और पंजाब में आज से शुरू होगी खरीफ फसलों की खरीद। पंजाब और हरियाणा में धान और बाजरे की खरीद 10 अक्टूबर तक के लिए स्थगित करने के बाद से किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्र ने रविवार यानी आज खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने का ऐलान किया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने इसका ऐलान किया। वरिष्ठ नागरिकों के मदद के लिए केंद्र ने की टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 की शुरुआत। देश के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने शुक्रवार को वरिष्ठ नागरिकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14567 और दो पोर्टल की शुरुआत की। एल्डर लाइन नामक इस हेल्पलाइन के जरिए वरिष्ठ नागरिक अपने पेंशन से संबंधित हुआ कानूनी मामलों समेत अन्य जानकारी ले सकेंगे। इसके साथ ही बुजुर्ग घर में होने वाले दुर्व्यवहार के मामले में भी मदद ले सकेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहे कि घरों तक पानी पहुंचाने के लिए 7 दशकों के मुकाबले पिछले 2 साल में अधिक काम हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि आज़ादी से लेकर 2019 तक देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक नल से पानी पहुंचाता था। पीएम मोदी ने आगे कहा, जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। 7 दशकों के मुकाबले पिछले 2 वर्षों से अधिक काम हुआ है। IAS इफ्तिखारुद्दीन वीडियो मामला, अपने सुरक्षा कर्मियों को भी दिए थे दाढ़ी रखने के निर्देश। यूपी राज्य परिवहन निगम के चेयरमैन और वरिष्ठ IAS मोहम्मद इफ्तिखारुद्दीन के वायरल हुए वीडियो के मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इफ्तिखारुद्दीन ने खुद के कुछ ऐसे नियम बना रखे थे जिनकी पालन करना उसके साथ साथ काम कर रहे अन्य कर्मचारियों के लिए जरूरी था। हालात यहाँ तक थे कि उसने अपने सुरक्षा कर्मियों के लिए भी दाढ़ी रखना अनिवार्य कर रखा था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि वह खुलेआम ये कहता था कि जिस तरह से मेरी दाढ़ी है उसी तरह से आप लोग भी रखें। इस बात का दावा कानपुर कमिश्नर ऑफिस में कार्यरत एक कर्मचारी ने भी किया है। नीतीश कैबिनेट का फैसला, 25 दिसंबर को होगा मुंगेर रेल पुल का लोकार्पण। सिपाही प्रशिक्षण के लिए आवंटित किए 154 करोड़। मुंगेर रेल पुल के निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गई है। पहुंच पथ को लेकर टोपो लेन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में मुआवजे के लिए कुल 57 करोड़ की राशि की स्वीकृति प्रदान की है। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि इसी वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस 25 दिसंबर को इस पुल का लोकार्पण किया जाएगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी ने ही इस पुल का शिलान्यास 2003 में किया था। मुआवजे के कारण निर्माण स्थगित हो गया था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।